इको सिस्टम, जब वहाँ से घुड़ सवार यहाँ से आते थे अटैक करने के लिए तो ईगो चलता था। अगर यहाँ से कोई भी चीज मैं फेंकूंगा तो बाहर चली जाएगी, लेकिन जब मैं उस जगह से इस विंडो को दिखाऊंगा तो ये विंडो बंद हो जाएगी। आइए, मैं ब्लेम लगाया कि बाप और बेटी के बीच में नाजायज संबंध। यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी पॉइंट है, किए है, ये है पूरे, ये है पूरा सीधे है वो, नहीं आ रहा है। तो हे गाइस, ये है आगरा का व्लॉग पार्ट 2। ये मैं एडिटिंग के टाइम बोल रहा हूँ एंड यार क्योंकि मैं उसको इंट्रो नहीं कर पाया था, सो ये मैं एडिटिंग के टाइम बोल रहा हूँ। आप इंजॉय करो व्लॉग को एंड सपोर्ट डिकॉज व्लॉग को। इस बार हम गए थे रेड फोर्ट आगरा के, सो यार इंजॉय द वीडियो। सोके गाइस, अभी हमें आगरे के लाल किला में, इसके आप टिकट प्राइस देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो रोक के। सो भाई ये देख सकते कितना बड़ा यार, एंड इधर से एंट्री था, और ये देख सकते हो पूरा। हेलो, आगरा फोर्ट जो देखने जा रहे हैं 445 साल पुराना फोर्ट है। इसे जनरेशन बाई जनरेशन थर्ड मुगल बादशाह किंग अकबर ने बनाया था। अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा साजा और साजा का बेटा औरंगजेब। 1565 में बनना स्टार्ट हुआ, 1660 में बन के कम्प्लीट हुआ। इस फोर्ट को बनने में 95 साल लगे। आपने पहले गेट से एंट्री किया था, उस गेट का नाम था अमर सिंह राठौर गेट। जहाँ पर आपने टिकट फटवाया उस गेट का नाम था वेलकम गेट। और तीसरा जो आप गेट छोड़ के आ रहे हैं उस गेट का नाम है किंग गेट। अकबर बादशाह की तीन बेगम थी, मरियम, सुल्ताना और जोधाबाई। किसी से कोई बच्चे नहीं हुए। जोधाबाई से एक बच्चा हुआ था सलीम, जिनका नाम था जहांगीर। सामने जो आप महल देख रहे हैं इसका नाम है जहांगीरी पैलेस, जहांगीर स्टू बाई। जहांगीर की दो बीवियाँ थी, जोधबाई और नूरजहां। सामने आपको तब दिखाई देगा वो जौनपुर के राजा मानसिंह ने अपने भांजे को गिफ्ट दिया था बर्थडे पर। इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात लगे थे, यहाँ से अंग्रेज लोग निकाल के ले गए। तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं जहांगीरी महल से और निकलेंगे एलिफेंट गेट से। आइए, जब जहांगीर छोटे थे इसी टब के अंदर नहाया करते थे। जौनपुर जोधपुर के राजा मानसिंह ने अपने भांजे को गिफ्ट दिया था, जो जोधाबाई के मुँह बोले भाई थे। इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात तो देखिए यहाँ का होता है इको सिस्टम। जब वहाँ से घुड़ सवार यहाँ से आते थे अटैक करने के लिए तो इको चलता था। इस तरीके से इको साउंड होता था और सारे सैनिक और सोल्जर अलर्ट हो जाते थे कि दुश्मन ने हमें अटैक कर दिया। और तो जिस संपर्क में आप चल के आ रहे हैं वहाँ से बड़े बड़े लोग फैटा करते थे, जो जानवरों के पैर करते थे। तो नीचे डाइनिंग देखी आपने, पहले कोई कार मोटर नहीं होती थी, पहले कैमल और हॉर्स बांधते थे। उधर पर दो नालियाँ होते हुए तो देखिए आपने, एक तरफ से खोलता हुआ तेल, एक तरफ से खोलता हुआ पानी डालते थे, जो स्लीपिंग करता था, जो जाने जानवरों के पैर करता था, जानवर बैठ सकता पीछे लौट जा करते थे। तो देखिए सर, सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं जहांगीर का बेडरूम। पहले कोई खिड़की और दरवाजे नहीं होते थे, पहले कारपेट और पर्दे चलते थे। ये जहांगीर का बेडरूम है। इधर में देखिए डाइनिंग हॉल, पूरी फैमिली मिलकर खाना खाया करती थी। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जहांगीर टू बाई, जहांगीर की दो बीवियाँ थीं जोधबाई और नूरजहां। नूरजहां मुस्लिम थी, जोधबाई हिंदू थी। तो देखिए जोधबाई का मंदिर, आइए। आगरा फोर्ट तो आप देखने जा रहे हैं, आगरा फोर्ट 445 साल पुराना फोर्ट है। अकबर बादशाह को लाल पत्थर का शौक था, जितनी बिल्डिंग बनाई लाल पत्थर से बनाई। साजा को वाइट मार्बल का शौक था, जितनी बिल्डिंग बनाई वाइट मार्बल से बनाई। जो आप स्टॉन देख रहे हैं ये जयपुर से मंगाया गया, इसका नाम है रेड स्टॉन। ये फतेहपुर सीकरी और जयपुर से आता है। जोधबाई हिंदू थी, यहाँ पर कैंडल जलते थे, पूरा मंदिर ऐसे जगमगाता था जैसे हम लोग दिवाली में झालर लगाते थे। यहाँ का फोटो अच्छा आता है, फोटो लेना है ले सकते हैं, क्ले सी फोटो आता है यहाँ का, अलग जो मंडी फोटो।
तो देखिए सर, इधर में देखिए मुगल टाइम का बावर्ची खाना, यहाँ पे 500 लोगों का खाना बनता था जो डाइनिंग हॉल जाता था, पूरी फैमिली मिलके वहाँ पे खाना खाया करती थी, यानी आज के टाइम का किचन। इधर में देखिए, इसको बोलते हैं हवा महल। जब जोत बाई खुश होती थी, अपनी कनीजों के साथ घूम घूम के डांस करती थी और ऊपर से बरसात का पानी आता। इसमें सोना चांदी हीरे सवारा जो भरा हुआ था, जो यहाँ से अंग्रेजी लोग निकाल के ले गए। आपको पता होगा हमें चार किलो सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो 75% जो आइटम था वो अंग्रेज ले गए, 25 जो बच्चा वो बन रहे। जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था, जो भी कार्य करते थे पेंटिंग वगैरह करते थे। ये सामने पेंटिंग दी रही है, इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह ले गए थे जो अंग्रेज लोग ज्यादा पसंद करते हैं, वो उखाड़ के सब ले गए। आपको ताजमहल में यही वक्त मिलेगा। आज आगरा फोर्ट को 445 साल हो गया, 445 साल हो गया जी जब का बना हुआ है। इसको बोलते हैं लाइब्रेरी, यहाँ पे कॉपी किताब पढ़ रहे लाइब्रेरी में बैठे थे। अब मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको ताजमहल का डायरेक्ट दिए और ताजमहल के बारे में जानकारी। आइए आपको डायरेक्ट ताजमहल वीडियो में देखा था इस चीज़ को। हो रहा ताजमहल बाबा दिख रहे हैं मुझे। इसको बोलते हैं जमुना रिवर। यहाँ से ताजमहल का डिस्टेंस दूरी 2 किलोमीटर का। यहाँ आ जाओ आप, यहाँ आ जाओ, फोटो ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा फोटो बताया ताजमहल का। अभी गौर से ताजमहल को गौर से देखिए, इसका मीनार दिख रहा है आपको चारों? हाँ। कैसा है इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे है? ऐसे है। कभी आगरा में कभी भूकंप कभी भूचाल आता है तो 2 मीनार जमुना रिवर पे गिर जाएंगी, 2 मीनार आउटसाइड गिर जाएंगी। ताजमहल को कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। कहाँ से आए आप? मैं तो आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली से आए, तो ये ताजमहल दिल्ली में शाहजहाँ ने क्यों नहीं बनाया, या कलकत्ता में क्यों नहीं बनाया, या मथुरा में क्यों नहीं बनाया, आगरा में ही क्यों बनाया? इसकी वजह यह है कि हमारा जो आगरा है वो ऊँचाई पर है, कभी भूकंप कभी भूचाल आता है तो आगरा को इतनी क्षति नहीं पहुँचेगी जो और देशों को पहुँचेगी। समझ रहे? ये ताजमहल शाहजहाँ ने जो सोच के बनाया है, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी देखेंगे आपको सेम ही दिखाई देगा। अभी इधर क्या है जो हाँ। नीचे है? और ये ताजमहल जो बना है ये 100 कुओं पर रखा गया है, जिसमें 100 कुआ उसके ऊपर जो लकड़ी लगाई गई है वो लकड़ी पानी पीती है, इसलिए उसने जमुना किनारे ही ताजमहल को शिफ्ट किया कि जितना पानी पियेंगी लकड़ियाँ उतनी लकड़ियाँ मजबूत होंगी और ताजमहल को कहीं से कोई नुकसान नहीं होगा। आइए अभी उधर देखिए, सामने आपको होल दिखाई दे रहा है, गौर से देखो दिख रहा है वो पिलर दिख रहे हैं लगे हुए हैं। अगर यहाँ से कोई भी चीज़ मैं फेंकूंगा तो बाहर चली जाएगी, लेकिन जब मैं उस जगह से इस विंडो को दिखाऊंगा तो ये विंडो बंद हो जाएगी। आइए अब इस विंडो को गौर से देखिए, जो मैंने ओपन दिखाई थी वो एक क्लोज हो गई है, ठीक है। इसे बोलते हैं मैजिक रूम, जादुई कमरा। देख लीजिए डॉन पॉल बना हुआ राम बन, देखिए ये डॉन पॉल बना है।
खुल, यहाँ से तो खुला है। यहाँ से बंद है। ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, मुगल टाइम मुगल आर्मी और इंडियन टाइम इंडियन आर्मी यार करती है। 75% पार्ट एरिया आर्मी के अंडर में है। हम लोग जो आगरा फोर्ट विजिट करेंगे वो करेंगे 25% पार्ट एरिया। अच्छा, बाकी आर्मी के अंडर में है। इधर में देखिए सामने साजा इज टू डॉटर, साजा की दो लड़कियाँ थी, रोशन नारा और जहान नारा। ये साजा की आई पापा, यहाँ से ताजमहल की फोटो आएगी। तो देखिए इसको बोलते हैं खास महल, साजा मुमताज का बेडरूम। पहले कोई खिड़की दरवाजे नहीं होते थे, पहले पर्दे कारपेट चलते थे। इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरातों से भरा हुआ महल था ये। इसमें हैंगिंग गन लगा था झूमर, जो टोटल डायमंड का था। ये जो आप मार्बल देख रहे हैं 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से आता है, इसको बोलते हैं संगमरमर। इसी का ही ताजमहल बना हुआ है, क्योंकि अकबर बादशाह को लाल बिल्डिंग का शौक था, उन्होंने जितनी बिल्डिंग बनाई लाल पत्थर से बनाई। साजा को वाइट मार्बल का शौक था, उन्होंने जितनी बिल्डिंग बनाई वाइट मार्बल से बनाई। ये कैंडिन फ्लावर्स देख रहे हैं आप लोग, इसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात लगे थे, जो यहाँ से अंग्रेज लोग निकाल के ले गए। आइए बाबा, ये बहुत चमक रहा है ना धूप में। सामने आप लोग बिल्डिंग देखने जा रहे हैं, ये बिल्डिंग साजा की बड़ी बेटी जहानारा का बिल्डिंग है। अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती थी, प्रेम करती थी। अपने बाप की खातिर इन्होंने शादी नहीं करी, ब्लेम लगाया कि बाप और बेटी के बीच में नाजायज संबंध। औरंगजेब के तीन भाई और भी थे, दारा अंदर में बंदी बनाया। बंदी क्यों बनाया? क्योंकि साजा एक ब्लैक कलर का ताजमहल बनाना चाहते थे बेल्जियम, जिससे सोना तराशा जाता है। कभी आप सुनार पर जाते हैं देखा काला पत्थर होता है। जब साजा का डेथ हो गया 1666 के अंदर में, तो इस बड़ी बेटी ने अपने बाप की डेड बॉडी उठाकर सीधी ताजमहल में शिफ्ट करी और अपने बाप की खातिर शादी नहीं करी। जो छोटी बेटी का बिल्डिंग लगाया था वो औरंगजेब से प्यार करती थी, जो भी चिट्ठी पत्रिका आती थी अपने भाई को देती थी, अपने बाप को नहीं देती थी। और जो बड़ी लड़की जो जहान आ रहा थी वो अपने भाई को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो अपने बाप को ज़्यादा पसंद करती थी। अब मैं आगरा फोर्ट का मेन इम्पोर्टेंट पहले दिखाने जा रहा हूँ, जासमीन टावर। जो औरंगजेब ने अपने बाप को बंदी बनाया, भाई साजा का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। आप जो ताजमहल देखने जाएंगे, उस ताजमहल के अंदर में मोजराइक वर्क सैमी स्टोन, ये पूरे स्टोनों से भरा हुआ होगा। साजा सामने बैठते थे, यहीं से अपने ताजमहल को देखते रहते थे। यहाँ से रोज़ वाटर आता था इस जगह से। इस महल का जो दूसरा नाम है वो चमेली महल भी है। ये पूरा महल सुगंधित हो जाता था खुशबू से। अब ये पूरा महल आपको दिखाऊंगा ऊपर से दीवाने खास से, कभी ये आधा दिख रहा है। आइए इधर आ जाइए। जब साजा का डेथ हो गया था तो बड़ी बेटी जानारा ने अपने बाप की डेड बॉडी इसी सुरंग से निकालने के बाद यहाँ से जमुना रिवर होती हुई सीधी ताजमहल में पहुँचाई थी। ये बहुत बड़ी सुरंग है ये ना। हाँ।
वो गेट है जहाँ से आपको एसी की हवा दिखाई देगी। खड़ा हो जाओ भाई साहब, थोड़ी हवा खाओ आराम से। कोई गेट ऐसा नहीं है जहाँ पे हवा आती हो, एक ये गेट ऐसा है जहाँ पे आपको बड़ी हवा खाने को मिलेगी। सच में आ रही है, आ रही है। और किसी गेट में आपको देखने नहीं मिलेगी हवा जो इस गेट में मिलेगी। आइए तो देखिए, इसको बोलते हैं मीना मस्जिद। साझा मोस अपनी 5 टाइम की नमाज इसी मस्जिद में पढ़ते थे। 4 बजे द्वार आते थे, ऊपर पहुँचा। अभी सर दूसरा गेट बहुत पानी है, बहुत बड़ी मस्जिद है। तो 4 सैनिक द्वार आते थे, 4 सैनिक द्वार जाते थे। क्योंकि औरंगजेब से अपने अपने बाप को अकड़ ही नहीं लगाया था, केवल नज़र कैद किया था कि आज के बाद कोई भी बिजनेस या कोई भी कारोबार आप नहीं करेंगे, केवल 2 वक्त की रोटी खाएंगे और 5 टाइम की नमाज पढ़ेंगे। आइए तो देखिए सर, इसको बोलते हैं दीवाने खास। दीवाने खास मीन्स खास प्राइवेट मीटिंग हॉल। यहाँ पे आम आदमी को आने की इजाज़त नहीं थी। तो आपने नाम सुना होगा तख्ते ताबूत, तो इसे बोलते हैं तख्ते ताबूत। यहाँ फैसले होते थे प्राइवेट सीक्रेट। यहाँ पे 2 तरीके से लगती थी। सबसे पहला, बरसात होती थी तो मीटिंग अंदर होती थी, जब बरसात नहीं होती थी तो मीटिंग बाहर हुआ करती थी। चीफ मिनिस्टर या उनके मिलने वाले यहाँ बैठते थे वाइट मार्बल पे, और जहांगीर बैठते थे उस वाले मार्बल पे ब्लैक वाले पे जो पसंद थी। हाँ, कसौटी पत्थर था ये। सबसे मेन चीज ये बात पता लगी ब्रिटिश को कि यहाँ पे मीटिंग हुआ करती है, लेकिन ब्रिटिश को ये नहीं पता थी कि मीटिंग 2 तरीके से होती है। तो मैं जमुना रिवर से ब्रिटिश ने यहाँ पे बम का गोला मारा और उस पत्थर पे फेंका, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन बरसात हो रही थी और मीटिंग अंदर चल रही थी। तो बम का गोला मारा, पूरा पत्थर क्रैक हो गया। तो बम का गोला कहाँ गया? वो सामने होल देखिए, मेरी के सामने दिख रहा है वो सामने गोला। वहाँ से बाउंस होने के बाद सीधा बम का गोला अंदर घुस गया। हाँ सामने, अब आपको पत्थर दिखाता हूँ जिसे कैसे क्रैक हुआ। ये इधर आएंगे भैया, ये देखिए ये पत्थर क्रैक हो गया और बम का गोला बाउंस होने के बाद में सामने घुस गया। अब यहाँ से आपको 4 चीज़ के नज़ारे नज़र आएंगे। सबसे पहला देखिए जासमीन टावर, जो औरंगजेब ने आपके बाप को बंदी बनाया, और ये सांझा का जेल भी बोला जाता है। सामने में बड़ा ताजमहल, जमुना रिवर, जमुना ब्रिज, और सामने वो रिहाइश देख रहे हैं। आपने नाम सुना होगा कभी मेहताब बाग, सुना है कभी नाम मेहताब बाग का, जहाँ से शूटिंग होती है जो ताजमहल के लिए। तो वो ताजमहल वहाँ बनने जा रहा था। आज आगरा में 2 ताजमहल होते हैं, एक जमुना के उस पार वाइट, एक जमुना के इस पार ब्लैक। तो औरंगजेब ने बनने नहीं दिया, अपने बाप को गिरफ्तार किया, नहीं साझा का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। तो देखिए इधर में देखिए, इसको बोलते हैं मीना बाजार। किसी टाइम में मुगल सामने, ये पूरा पूरा ये शॉपें बनी है, दुकान है। यहाँ बड़ी बड़ी रईस खानदान की लेडीज आती थी और यहाँ शॉपिंग करती थी। यहाँ पे जेंट्स को अलाउ नहीं था। मीना मतलब ज्वेलरी, बाजार मतलब मार्केट। यहाँ लेडीज़ों के लिए बहुत शानदार लगता था बाजार। और ये पार्क नहीं था पहले, पहले यहाँ पर तालाब था, रंग बिरंगी मछली हुआ करती थी। उस वक्त का दृश्य कुछ और था। सामने ये रूम देख रहे हैं, वो कनीज़ों के रूम हैं, जो दासियाँ रहती थी वो उस रूम में रहती थी, और ये दुकानें होती थी। नज़ारा कुछ और होता था खिलता हुआ जब परचेसिंग होती थी। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यूपी हैंडलूम पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मीना बाज़ार को उठाकर शिफ्ट करा यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे। क्योंकि अभी आपने आगरा फोर्ट में एंट्री किया होगा तो कुछ प्राइवेट हॉकर फुटपाथ मैन सेलिंग द आइटम, डोंट बाई परचेज टोटल डुप्लीकेट आइटम। वो लोग क्या करते हैं कि POP प्लास्टर पैरिस पर पेंट करने के बाद टूरिस्ट भाई को बेच देते हैं। जब आप घर पे खोल के देखते हैं टूटा फूटा खराब निकलता है। कहाँ से लिया? आगरा से। आगरा का बदनामी होता है। तो ये दोनों चीज़ दिखाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे रियल एंड डुप्लीकेट रखा है। वहाँ पर अरे भैया भैया, कोई तो सामान है रियल और डुप्लीकेट वाला। ये पूरी भाइयों को बाहर भेजते हैं। ये प्योर मकराना मार्बल 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से आता है। जैसा बाइक था वैसा की वैसी बाइक रहेगा, ब्लैक नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीज़ इसलिए नकली POP है, यस डुप्लीकेट की पहचान कर सके। आइए भैया,
वो एंट्री गेट था जहाँ से अंदर घुसते थे, ये आउट गेट है जहाँ से वो बाहर निकलते। बंद है, बंद नहीं है। मस्जिद में क्या होता है, मुस्लिम लोग पाक नापाक का वो रखते हैं, अगर एक दाग भी लग गया तो वो नमाज नहीं पढ़ने जाएगा जब तक ना धो नहीं लेगा। तो किसी के पैर कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, कोई जूते चप्पल कैसे पहना है कैसे नहीं पहना है, इस वजह से सदा के लिए बंद हो गया। बंद हो गया। ये सामने रूम देख रहे हैं हम लोग दासियों के लिए, नहीं ये दस्तावेज रूम है, ये डॉक्यूमेंट्स रूम है, जो पुराने क्रिमिनल होते थे जो पनिशमेंट होता था उनके रिकॉर्ड यहाँ रखे गए हैं। अब तो नहीं होगा, अभी रिकॉर्ड है, है? जब कभी यहाँ जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को तो वो यहाँ से निकाल के ले जाती है, और उसको कभी भी जो अभी बहुत से कैदी ऐसे पड़े हुए हैं जो अभी तक जेल में हैं जो बाहर ही नहीं निकल पाए अब तक, तो उनके रिकॉर्ड अभी भी यहाँ है। हमारा लास्ट स्टॉप रह गया है दीवाने आम। तो किसी ने पिक्चर आई थी जोधा अकबर, किसी ने देखी है जोधा अकबर? अभी रिलीज हुई थी लॉसन की। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर वो शूट हुई थी, यहाँ दो पिक्चरों की शूटिंग हुई है, एक मुगले आजम और एक जोधा अकबर की। आई मैंने जहांगीरी फैमिली में आपको दिखाया था इको सब, तो मेरा आवाज आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने माइक अपने हाथ में पकड़ लिया, इसे बोलते हैं इको सब। तो जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे जोधा भाई अकबर, जोधा अकबर की शूटिंग हुई थी, इसे बोलते हैं दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता के लिए कोर्ट लगता था जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट हाउस। सामने में आप लोग देख रहे थे बोलते हैं मयूर सिंहासन, सामने जहांगीर बैठते थे, दोनों तब दोनों बीवियाँ बैठती थी और जो सोल्जर होते थे यहाँ बैठते थे। कभी अदालत में आपने देखा होगा जो फाइलें वगैरह देते थे दस्तावेज यहाँ से देते थे उठाकर। ये 64 पिलर वाला महल है, उसमें 64 पिलर लगा हुए हैं, और सबसे मेन पिलरों की खास क्या है कि ये पिलर आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ से देखो सीधे दिख रहे हैं, सामने सीधे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। जब मैं इन पिलरों को आपको जगह से दिखाऊंगा तो ये सारे पिलर डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन इन पिलरों की खास खूबी क्या है कि कोई भी पिलर मयूर सिंहासन के सामने नहीं आएगा, यानी कोई खंभा नहीं टकराएगा इससे, क्योंकि जो प्राइवेट लोग थे वो अंदर बैठते थे और जो लोकल लोग थे बाहर बैठते थे, तो जो प्राइवेट सुनते थे वो बाहर वाले भी सुनते थे, क्योंकि हाँ क्योंकि ये दीवाने आम है, यहाँ आम जनता के लिए कोर्ट लगता था। सामने जो देख रहे हैं आप लोग मोती मस्जिद, ये शाहजहाँ ने अपने लिए बनाई थी नमाज के लिए, लेकिन ये आर्मी के अंडर में चली गई है इसलिए बंद हो गई है, सिर्फ देख सकते हैं जा नहीं सकते हैं। इधर देखिए पूरा एरिया आर्मी के अंडर में है पूरा। हम लोग घुसे थे जहांगीरी पैलेस से, निकलेंगे एलिफेंट गेट से। इधर में आपको एक सामने दिखाई देगी, ये देखिए सामने कबर दिखाई दे रही है, ये कबर है जॉन रसल कैल्विन की, ये इंग्लैंड के गवर्नर थे, ये सामने और ये इंफॉर्मेशन देते थे राजाओं को यानी अकबर और जहांगीर को। जब इनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, इनको हैजा हो गया था, इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी डेड बॉडी को इंग्लैंड नहीं भेजा जाए, मेरी डेड बॉडी को आगरा फोर्ट में रखा जाए, तो कोई भी टूरिस्ट जो घूमता हुआ आएगा तो लास्ट में मेरी डेड बॉडी को भी देखता हुआ जाएगा। सामने देखिए पानी का प्लांट है, बगल में वॉशरूम है, टॉयलेट बाथरूम जाने चाहे जा सकते हैं। यहाँ पे लाल किले का मतलब आगरा का लाल किला था, एंड उधर जाके देखें कि उसने गाइड ने बोला था कि यहाँ से देखेंगे तो पिलर कोई भी सामने अभी भी आ रहा है, देखो वाला वहाँ से देखेंगे तो कोई भी पिलर सामने नहीं आएगा। यहाँ पर तो कवर यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट है, किया है ये है पूरे ये है सारे देखिए सेल्फी पॉइंट है भाई। यहाँ एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, सभी लिखा हुआ डू नॉट एंटर इन द गार्डन, यहाँ पे एंटर कर रहे सर क्या फ़ायदा। चलो यहाँ पे टोप के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेते हम लोग अपना, भाई प्यास नहीं लग रहा है, सुबह से पता है कितनी बोतल हमने पानी पी लिया है, सुबह से कितने बोतल हमने पानी पी लिया है। देखो गाइस इस शेप में पूरा सीधा है, वो नहीं आ रहा है बीच में कोई पिलर। अभी हम जरा पानी पी लेने भाई, अगर अच्छा होगा तो यार ऐसे बहुत प्यास लग रहा है।
तो अभी मैं मिलता आपको सीधे बाहर गाड़ी में, मतलब गाड़ी अब क्या ताजमहल में मिलता आपको सीधे एकदम।